नमस्कार, खबर असरदार आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले 15 सेकंड में खबर पर डालते हैं एक नजर। नए संसद भवन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन कराने की मांग, केंद्र सरकार और लोकसभा सचिवालय को निर्देश देने की मांग। आज से देहरादून दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत, पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाई हरी झंडी, उत्तराखंड को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की स्वागत। 3 देशों के दौरे से दिल्ली लौटे प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत, जेपी नड्डा ने किया स्वागत, पीएम ने कहा पूर्ण बहुमत की सरकार को दुनिया सुनती है। आईपीएस अधिकारी प्रवीण सूद ने संभाला सीबीआई डायरेक्टर का आपाद सुबोध जायसवाल के लिए जगह, 1986 बैच के कर्नाटक कैडर के आईपीएस में प्रवीण सूद, हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी। दिल्ली में कांग्रेस की कल बड़ी बैठक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी नेताओं के साथ करेंगे चर्चा, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव रहेंगे मौजूद। आतंकी संगठन जीएमबी के खिलाफ भोपाल के बाद यूपी में कार्रवाई, एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में यूपी में 2 जगहों पर मारे छापे, भोपाल से 6 सदस्य हुए थे गिरफ्तार। एमपी कांग्रेस के प्रवक्ता शिवम शुक्ला बीजेपी में शामिल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिलाई सदस्यता। छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ ने बड़ी माता मंदिर में भवन निर्माण की रखी आधारशिला, जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद गिरी से लिया आशीर्वाद। नरोत्तम मिश्रा का दिग्विजय सिंह पर निशाना, बोले उनको बजरंग दल नजर आएगा गुंडा, जाकिर नाइक लगेगा शांति दूत। गुना सांसद केपी यादव का सिंधिया को लेकर वीडियो वायरल, बोले जिस पार्टी ने आपको दिया सम्मान, जिसका खा रहे आप, उसकी थाली में नहीं करना चाहिए छेद। केपी यादव के वीडियो पर बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने प्रतिक्रिया देने से किया इनकार, कहा वो नहीं ले रहे किसी का काम, प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं। गुना सांसद केपी यादव के वायरल वीडियो पर बोली इमरती देवी, केपी यादव को नहीं बोलना चाहिए ऐसा, मंत्री तुलसी सिलावट बोले पार्टी में कोई अनबन नहीं। एमपी में डीके शिवकुमार, जयराम रमेश के कांग्रेस के लिए मोर्चा संभालने पर गरमाई सियासत, मंत्री विश्वास सारंग बोले दिल्ली के नेतृत्व को एमपी कांग्रेस के नेताओं पर नहीं भरोसा, कांग्रेस कुछ भी कर ले लेकिन सरकार नहीं बना पाई। कमलनाथ का प्रदीप जायसवाल पर बड़ा बयान, विधायक जायसवाल की नहीं होगी कांग्रेस में एंट्री, कांग्रेस सरकार में थे मंत्री, वर्तमान में खनिज निगम के अध्यक्ष हैं जायसवाल। मंदसौर में पर्यावरण मंत्री पर संत गोशरण महाराज ने लगाया गंभीर आरोप, गौ तस्करी में सहयोग करने का लगाया आरोप मंत्री पर, आरोप का वीडियो हो रहा वायरल। एमपी 12वीं और 10वीं बोर्ड के नतीजे हुए जारी, एक बार फिर से लड़कियों ने मारी बाजी, 12वीं का 55.28% तो 10वीं का 63.29% रहा रिजल्ट। नीमच कलेक्टर दिनेश शर्मा ने लोगों से की अपील, फ्रिज नहीं मटके का पिए पानी, 25 मई को मटका दिवस के रूप में मनाया, बाजार से खुद खरीदा मटका। जगदलपुर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल, झीरम हमले के शहीदों को दी श्रद्धांजलि, किया नमन। झीरम कांड की बरसी आज, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि, लिखा अनसुलझे सवाल आज भी हैं जिंदा। छत्तीसगढ़ में झीरम हत्याकांड पर सियासत जारी, कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ल का बयान, प्रबंध मंत्रिमंडल के लोगों का होना चाहिए नार्को। झीरम कांड में शहीद महेंद्र कर्मा के बेटे छविंद्र कर्मा का बड़ा बयान, कहा झीरम हमले में बाकी बचे लोगों का हो नार्को टेस्ट, कवासी लखमा अमित जोगी के नार्को टेस्ट की भी मांग। झीरम कांड पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक का बड़ा बयान, घटना के प्रत्यक्षदर्शी कवासी लखमा का अभी तक क्यों नहीं लिया गया बयान, जवाब दे सरकार। झीरम मामले पर पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान, सरकार को रिपोर्ट से नहीं सिर्फ राजनीति से मतलब, जांच को आगे बढ़ाने के लिए हमने बनाई थी कमेटी। रायपुर में डोसा खाने के बाद पैसे नहीं देने पर नाबालिग लड़की को चमकर पीटा गया, बस स्टैंड पर 3 महिलाओं ने की पिटाई, टिकरापारा पुलिस ने की कार्रवाई। कांकेर के सिक्सोड थाना क्षेत्र में तेंदुपत्ता की फड़ पर लगी आग, लाखों रुपए के नुकसान की आशंका, नक्सलियों पर आग लगाने का शक। पेंड्रा में नाका के पर्कुलेशन टैंक का पहुंचा हाथियों का दल, कई दिनों से मरवाही वनमंडल में डाल रखा डेरा, जान जोखिम में डालकर हाथियों को देखने पहुंच रहे लोग।